हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द किल बिल पांडे शो 2.0। फ्रेंड्स, हम करण अर्जुन मूवी से सीन्स पर रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ कुछ सिलेक्टिव सीन्स जो ऐसा लगा कि इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर फाइट सीन्स, एंड देख के अच्छा लगा। अभी तक दो सीन दिए हैं, मजा आ रहा है फ्रेंड्स। आप, आई होप कि आप भी एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। एंड आइए अब नेक्स्ट वाला सीन देखते हैं और उसमें आगे देखते हैं कि क्या होता है। आई होप कि इस बार दोनों सामने आएंगे, करण अर्जुन। आइए फ्रेंड्स। सोनिया, मैं तुम्हें सिर्फ ये कांच की चूड़ियां पहना सकता हूं, सोने की नहीं। विजय, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ सोनिया, मैंने तुमसे प्यार तो कर लिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि तुम महलों की रानी और मैं सड़कों की धूल। क्या मैं तुमको वो सब सुख दे सकूंगा? तुम्हारा मतलब दौलत ही सब सुख दे सकती है? नहीं विजय, दौलत से इंसान कीमती बिस्तर खरीद सकता है, मगर नींद नहीं खरीद सकता। दौलत से इंसान रोटी खरीद सकता है, मगर भूख नहीं। दौलत से इंसान जिस्म खरीद सकता है, मगर सच्चा प्यार नहीं खरीद सकता। प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है विजय, सबसे बड़ी दौलत जो तुम्हें मिल गई है, मुझे मिल गई है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी चाहत, ये चूड़ियां मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल दौलत है। मैं इन्हें कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। देख लिया कोई? विभूति मिश्रा, मैं तुझे महलों में देखना चाहता हूं, और तूने घोड़े की लीद साफ करने वाले एक घटिया लड़के को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया? सिर्फ जीवन साथी बनाने का फैसला ही नहीं किया है, बल्कि हमने साथ जीने और मरने की कसमें भी खाई है। सोनिया, आपका गुस्सा, आपका जुल्म हमारे इरादों को नहीं बदल सकता। तो मैं उसकी दुनिया ही बदल डालूंगा, मिटा दूंगा उसे दुनिया से। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी। क्या आप अपने कंधों पर अपनी बेटी की अर्थी सजा सकते हैं? अगर तुम मुझकी मोहब्बत पे इतनी दीवानी हो गई हो, वक्त आने पर मैं ये भी कर जाऊंगा। दमनदार, आज के बाद कमरे से बाहर निकली तो गोली मार दूंगा। कलवा ओ कलवा, कलवा ओ कलवा, अरे कलवा कलवा, तेरी जिंदगी तो हलवा है ना रे। क्या नसीब लेको आया रे, ना तेरे को खाने की टेंशन ना पीने की टेंशन। हाँ, तेरी मालिश मैं करतूं, तेरी पूरी सेवा मैं करतूं। मेरी सेवा कौन करता रे? हाँ, कोई भी नहीं करता ना। ये अगले जन्म में मैं घोड़ा बन के पैदा तो देख रहा और तू लिंगया बन के पैदा हो ना। हंसता क्या रे तू, हंस रहा? ए लिंगया, घोड़ों से क्या बातें कर रहा है? तो क्या तेरे पास टाइम है क्या मेरे साथ बात करने के वास्ते? तू तो मोहब्बत की स्विमिंग पूल में उड़िया मार को आ रहा। देख भाई, ये मोहब्बत का समंदर बहुत गहरा है, इधर डूब गया ना। अयो, डूबने का नाम ही तो मोहब्बत होता ना रे। सच बोलो तो तू एक हफ्ते भर में रोमियो और मजनू का मिक्सर बन गया है तू। लिंगैया, घोड़े पर बैठकर जान की बाजी लगाने में वो मजा नहीं जो चाहत के मैदान में दिल की बाजी लगा देने में है। व्हाट अ जोक। अगर तूने मेरा कहा ना माना तो मैं तेरे दिल की बाजी को मौत की बाजी में बदल दूंगा, क्योंकि मैं तेरी मौत अपनी मुट्ठी में लाया। शेरों की मौत मच्छरों की मुट्ठी में। ये कबाब में हड्डी कौन है भाई? ये तो हड्डी में पूरा हड्डा लग रहा है ना। शराब। सोनिया का मंगेतर दुर्जन सिंह का बेटा सूरज सिंह नाम है मेरा। Yeah.
तलवार भी लेते हैं हम लोग। मार खाएगा वो। आग लगा दो, जला दो। अरे थोड़ा सा। अरे घोड़ा को छोड़ना पड़ेगा उसको, वरना बाबा को लेकर भाग। अच्छा जल्दी कर। तलवार मिला उसको। अरे बड़ा जोक, जल गई मोहब्बत, जल गया आशिया। योर अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव देम अ बिग हैंड। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज मैं अपनी इकलौती बेटी सोनिया की मंगनी अपने जिगरी दोस्त ठाकुर दुर्जन सिंह के बेटे सूर्य सिंह के साथ करने का ऐलान करता हूं। बस ठाकुर साहब के आते ही हम मंगनी की रसम। लो ठाकुर साहब आ गए। अजय और ये विजय। जला दिया ना तूने मेरे बाबा का अस्तबल चलाया है, मैं तेरी तुरिया चला डालूंगा। पुलिस बुलाओ। हेलो प्लीज। या इसको पता चल गया। तू भाग,
तू भाग भाग अर्जुन अर्जुन मैं कहता हूँ भाग तू भाग जा अर्जुन अर्जुन तू भाग मैं कहता हूँ भाग अर्जुन अर्जुन तू भाग जा भाग अर्जुन अर्जुन तू भाग गिरफ्तार कर सामने है लेकिन देख नहीं पाए उन्हें किसको ले गया पुलिस किसको दे दिया अच्छा था ये सीन ना मतलब अच्छा लगा एक पहले तो शाहरुख का वो फाइट जो था स्टेबल पे वो अच्छा था एंड भाभी जी घर पे वाले जो है उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा विभूति मंगल कुछ था शायद उस कैरेक्टर का नाम भाभी जी घर पे वाली तो वो विलेन है इसमें तो उनका जो अस्तबल जला देते हैं वहां का फाइटिंग अच्छा लगा मुझे एंड फिर उसके बाद पार्टी में जो मिलते हैं दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं एंड फाइटिंग हो रहा है मतलब पहले वैसे दिखाते थे ना कि भाई लोग मतलब झगड़ा कर रहे हैं फाइटिंग कर रहे हैं तो माँ को उधर पता चलता है वैसे ही था ये वाला सीन एंड फिर उसके बाद भगवान कुछ अच्छा मतलब चमत्कार करते हैं एंड वैसे ही दिखा रहे थे एक्चुअली अचानक से सलमान का चेंज हो जाता है उसको कुछ तो याद आता है या कुछ इन्फ्लुएंस होता है उस वजह से वो उसको पिछले जन्म का जो रहता है वो दिखता है शायद तो उसको भागने बोलता है ये वाला सीन बहुत फेमस था एक्चुअली उस समय भी भाग अर्जुन भाग वाला अच्छा लगा देख के मजा आया फ्रेंड्स आप बोलिएगा आपको कैसा लगा दोनों का एक्टिंग मस्त था सच में बहुत अच्छा लगा एंड वो फाइटिंग सीन वगैरह मजा आ रहा है बीच बीच में क्या नाम है जो जॉनी लीवर जी का जो कॉमेडी है छोटा छोटा वो भी अच्छा लगा मजा आ रहा है फ्रेंड्स चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बाय टेक केयर।